हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस का आगे का पार्ट, कलन हमारा जो डिफरेंशिएशन चल रहा है, अवकलन चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने हमारा देखा कि डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया कि किस तरह से दो फलन के योग का, सम का, डिफरेंस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिविज़न का, गुणा भाग का किस तरह से अवकलन होता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह अवकलन का, डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इन चीज़ों पर जो आज मैं बताने वाला हूँ उस पर आप कमांड कर लिए तो समझ लीजिए अवकलन आपकी मुट्ठी में है। इसलिए बहुत ध्यान से आज का वीडियो को देखना और देखने के बाद बराबर उसका समय देके प्रैक्टिस भी करना। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फलनों के फलन का अवकलन। फलनों के फलन का अवकलन इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कई फंक्शन होंगे, फलनों का फलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये होता क्या है पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया कि सपोज अपने पास कोई फंक्शन है वाई इक्वल, सपोज यह है साइन एक्स स्क्वायर, ये है साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फलन है। दो फलन कैसे हैं, या एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ दूसरे ढंग का, यहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया लॉग साइन एक्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे अच्छा समझ में आता है लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो फलन है। दो फलन कैसे हैं, एक फलन है लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक की फलन, और दूसरा है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर में फंक्शन है। मैंने जैसे अपन फलन में पढ़े हैं कि फंक्शन ऑफ जी एक्स इस तरह की बात है, तो इस तरह से यदि फंक्शन के अंदर में फंक्शन हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हमको समझना है। तो इसको डिफरेंशिएशन करने का जो पहला तरीका है, जो एक कॉमन मेथड है, वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब हिंदी में प्रतिस्थापन। हम प्रतिस्थापन की सहायता से इसका अवकलन करते हैं y इक्वल टू लॉग साइन एक्स का। देखिए किस तरह से करेंगे, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, तो सीधा जैसे हम अवकलन करते हैं अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष मैंने इसका अवकलन किया, तो यह हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर समस्या क्या आया कि हमने जो फार्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, उसमें d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला हमने पढ़ा है 1/x ये, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया, साइन एक्स। यहाँ पर सिर्फ क्या होना था, x होना था। यदि यहाँ पर x होता तो हम उसका अवकलन कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर आ गया साइन एक्स। इसी का मतलब है फलनों के फलन का अवकलन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा x के फॉर्म में जो फंक्शन है, एक नया फंक्शन है, उसको हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, u, v, t कुछ भी मान लेते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। उसके जगह हम उसको प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट साइन एक्स इक्वल टू टी मान सकते हैं, u मान सकते हैं, v मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। तो हमने साइन एक्स इक्वल टू टी मान लिया। अब साइन एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन को हम अब लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग टी, क्योंकि हमने साइन एक्स की जगह में क्या रख दिया, टी रख दिया। क्लियर, अच्छा इधर भी डी बाई डी एक्स है ना, दोनों तक पक्षों का डी बाई डी एक्स लिखना भूल गया था मैं यहाँ पर। ये हो जाएगा दैट इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टी। लेकिन अब यहाँ पर एक नया समस्या आ गया,
क्या नया समस्या आ गया कि यहाँ पर जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वह x है और ये क्या है t है। तो दोनों वेरिएबल जब तक एक नहीं होंगे तब तक अवकलन नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि x का x के सापेक्ष अवकलन होगा, x का t के सापेक्ष या t के x के सापेक्ष अवकलन नहीं हो सकता। जैसे किलोग्राम के साथ लीटर को हम जोड़ नहीं सकते, किलोग्राम के साथ किलोग्राम ही जुड़ेगा, आपको पता है, उस तरह से। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया, अब उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। दैट इक्वल आगे हम इसको लिख सकते हैं, ये किसके सापेक्ष अवकलन होगा, टी के सापेक्ष होगा क्योंकि वो टी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डी टी का भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया डी टी। अब चूंकि हम डी टी का डिवाइड इसको हम लिख देते हैं लॉग टी इन टू लॉग टी को हमने डिवाइड किया है, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए लॉग टी को मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हो गया डी टी, क्लियर। और ये वाला जो डी एक्स है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे कैसे काम आसान हो गया, अब ये टी हो गया, ये भी टी हो गया, तो टी का टी के सापेक्ष में अवकलन अब हो सकता है। तो जिस तरह से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/t होगा, ये हो गया 1/t, और इनटू अब यहाँ पर हम रख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ये टी के मान को रख देते हैं यहाँ से जो हमने माना है, जो कि क्या है साइन एक्स है, तो इसको हमने लिख दिया साइन एक्स। दैट इक्वल अब देखो यहाँ पर 1/, यहाँ पर भी आप वैल्यू को रख सकते हैं जो हमने माना है, ये हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स फार्मूला से, और ट्रिग्नोमेट्री से कॉस एक्स अपान साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है। इस तरह से ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसा हम इसका अवकलन कर सकते हैं। ये है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि। लेकिन इसका जो मेथड दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है और उसी से हम करेंगे, और वो बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो वो मेथड कहलाता है मेथड नंबर 2, इसको हम कहते हैं चैन रूल। चैन रूल हिंदी में भी चैन रूल बोलते हैं। चैन रूल का मतलब होता है पार्ट पार्ट में उसको, जैसे चैन में एक कड़ी के बाद दूसरा कड़ी लगा होता है जंजीर में चैन में, तो उसी तरह से क्या है इसको हम एक एक फंक्शन को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, और हम इसी मेथड का ही यूज़ करेंगे। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझना, बताया दोनों में क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, और बाद में तो फिर चैन रूल से डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट होने लगता है। एक्चुअल में मैं स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताया कि चैन रूल में जिसका अच्छा कमांड हो गया उसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, और ये वाले पार्ट का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं अपन। y इक्वल लॉग साइन एक्स, और हम करते हैं डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर कुछ जैसे हमने यहाँ पर साइन एक्स को टी सपोज कर किया था, ऐसा कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर यह समझ लेना है कि साइन एक्स मान लो साइन एक्स नहीं है, ये सपोज एक्स है, एक्स नहीं है लेकिन हमने उसको इमेजिन कर लिया, मान लिया, कल्पना कर लिया कि मान लो वो लॉग एक्स है। तो चैन रूल क्या कहता है कि भाई जब ये एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो वैसे ही लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x, ये हो गया 1/sin x। हम इसको एक्स सपोज करेंगे लेकिन लिखेंगे वही जो है, और चैन रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने जिसको एक्स सपोज कर लिया, जो एक्स नहीं था लेकिन आपने उसको एक्स सपोज कर लिया, वो अगेन डिफरेंशिएशन होगा उसका। तो यहाँ पर फिर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यही चैन रूल है। मतलब जिस फंक्शन को हमने x मान के अवकलन कर दिया था वो दोबारा अवकलन होगा उसका, अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा। और इस तरह से आप समझ गए होंगे, अब ये हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो गया कॉट एक्स, और आप समझ सकते हैं कि उससे बहुत आसान है और लंबाई उससे जस्ट हाफ है। यहाँ 7-8 स्टेप में बना है तो यहाँ पर 4 स्टेप में बन गया है, क्लियर। अब मैं बहुत से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जिसको कराने से मैं समझता हूँ कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी,
इसके बाद आपके पास जो भी टेस्ट बुक आपके पास होगा, एनसीईआरटी का बुक होगा या जो भी बुक, एनीवन, बार बार ये बात मैं जोर दे के कहता हूँ कि बुक के पीछे मत भागो। आपके पास जो बुक है उसमें सफिशियंट क्वेश्चन है। मुझे मालूम है किसी भी राइटर ने जो बुक का स्टैंडर्ड लिखा है 19-20 का डिफरेंस रहता है, तो आप उस बुक को, बहुत से बुक्स के पीछे भागने के बजाय आपके पास जो बुक है उस बुक में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है उसके 100% क्वेश्चन आप करिए। मैथ्स में क्वेश्चन स्केप करके मत पढ़िए, छोड़ छोड़ के मत पढ़िए, खासकर कैलकुलस में। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना अच्छा कमांड हो जाएगा। ये हुआ चैन रूल। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और सबको मैं चैन रूल सही, अब इस मेथड से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, आपको बता दिया, आप कुछ और प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका कमांड बना रहे। बाकी सभी क्वेश्चन को अब मैं इस फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करके आपको बताते जा रहा हूँ। और उसके बाद आज तो मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद अभी मैं एक दो एक्सरसाइज और इसका कराऊंगा जो चैन रूल पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि इसकी मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराने के प्लानिंग में हूँ। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं स्टूडेंट को चैन रूल में अच्छा कमांड करा देता हूँ तो मुझे खुद उनको डिफ्रेंशिएशन पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत तेज़ी से समझते हैं, क्योंकि यही फाउंडेशन है, यही बेस है, यही फाउंडेशन है। ये जो वीडियो है इसके बाद वाला जो रहेगा वो दोनों को आप अच्छा कर लिए तो कैलकुलस तो फिर बहुत तेज़ी से होने वाला है, ठीक है। तो बार बार इतना जोर दे के बोल रहा हूँ इसका मतलब आप समझ लेना। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूँ और सबको मैं बना रहा हूँ चैन रूल से। या एक काम करता हूँ, कंपेरेटिवली आपको बताने के लिए अभी एक आध दो क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। हो सकता है कई क्वेश्चन बताने के बाद कई लोग को कुछ प्रॉब्लम हो, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दोनों मेथड से आपको बताता हूँ। चलिए मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया इसके लिए, e^sin x। देखिए मैं बोर्ड को दो पार्ट में बांट दिया और एक साइड में आपको बता रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन से, दूसरी साइड में चैन रूल से। तो ये हमारा क्वेश्चन है y = e^sin x। अब सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx = dy/dx ऑफ e^sin x। ये इस साइड में बता रहा हूँ मैं चैन, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर आप देखो कि ये e^x होना चाहिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ पुट, हम क्या करेंगे, ये साइन x को सपोज करेंगे क्या t, हम t उसको सपोज करते हैं जो फंक्शन के फॉर्म में उस क्वेश्चन को ला देता है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy/dx = dy/dx ऑफ e^t। ये हो गया, क्योंकि e^sin x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमको नहीं पता, लेकिन e^t हम लिख सकते हैं। दैट इक्वल, अब इसको लिख दिया है d/dt, क्योंकि ये दोनों को t होना जरूरी है, ये हो गया। और e^t, dt को डिवाइड किया तो dt को मल्टीप्लाई करेंगे, dt/dx हो जाएगा। दैट इक्वल d/dt ऑफ e^t का डिफरेंशिएशन e^t होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे d/dx ऑफ टी, और टी हमने माना है किसको, साइन एक्स को माना है, ये टी माना है किसको, साइन एक्स को। तो e^t दैट इक्वल, अब e^t, तो टी का भी मान अपन रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e^sin x (sin x) का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कास एक्स। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, कास एक्स (e^sin x), ये इसका आंसर हो गया सब्स्टिट्यूशन से। अब इसी को अपन चैन रूल से बनाएं। यदि हम इसी क्वेश्चन को चैन रूल से बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए चैन रूल से बनाएंगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा y = e^sin x, सीधा डिफ्रेंशिएट करो dy/dx = dy/dx ऑफ e^sin x। दैट इम्प्लाइज dy/dx इक्वल, अब इसको आप सपोज कर लो मन में, आप अपने मन में अपने मेमोरी में रख लो कि वो x है। सपोज अब ये e^sin x नहीं e^x है, तो e^x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e^x माने e^sin x लिख दोगे। और चूंकि इसको x सपोज किया गया था इसलिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको x मान के कर दिया।
दैट इक्वल ये हो गया e टू दी पावर साइन एक्स और ये हो गया इंटू कॉस एक्स, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए बहुत अंतर पड़ जाता है दोनों मेथड में, क्लियर। तो ये आपको चैन रूल पर इसमें कमांड करना है। ये सब आसान क्वेश्चन है, आज मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन मेन प्रैक्टिस होगा इसका सेकंड, इसके बाद वाला जो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसमें फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग उसके बेस को पकड़ो कि किस तरह से चैन रूल अप्लाई होता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन को लेता हूँ और अपन देखते हैं कि देखो दोनों मेथड से, इसको भी मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ, इसके बाद फिर मैं सबको चैन रूल से ही बताऊँगा आपको। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ मैं आपको। वाई इक्वल लॉग टेन, वाई इक्वल टू लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये है हमारा क्वेश्चन। और इसको सबसे पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, टी वाले मेथड से सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करें, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन फंक्शन है, कैसे है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है अलग, तीन फंक्शन है इसमें, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है टेन, और तीसरा फंक्शन है फिर लॉग। इसी क्वेश्चन से आप समझोगे चैन रूल का महत्व, कि चैन रूल कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा उसमें कमांड होना चाहिए। अब यहाँ से हम सपोज करना शुरू करेंगे, लास्ट फंक्शन से, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को यू सपोज करेंगे, क्लियर, इस फंक्शन को यू सपोज करेंगे। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया क्या, नाउ पुट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू यू सपोज कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में हो जाएगा, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टेन यू, ये हो गया दैट इक्वल। आगे हम इसको, अब यहाँ पर देखो ये जो टेन यू है इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एक फंक्शन अभी अलग से हो गया, तो टेन यू को फिर अपने को कोई नया, टेन यू को अपने को फिर कोई नया वैल्यू सपोज करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर एक काम करो आप, इससे बनेगा लेकिन वो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसमें लास्ट के पूरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये ज़्यादा आसान होगा। लॉग को छोड़ के जो पूरा ब्लू इंक से मैंने बॉक्स में किया, इसको यू सपोज करो एक बार, मतलब पहले फंक्शन को छोड़ के लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से पहले फंक्शन को छोड़ के आगे जितना फंक्शन है उसको यू सपोज करो। तो यहाँ पर हम सपोज कर लिए टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू यू, ये सपोज कर लिया। इसका मैं स्टेप काउंट कराऊंगा आपको, उसके बाद चैन रूल से कंपेयर कराऊंगा। तो यहाँ पर हम अब इसके वैल्यू को पुट अप करें, तो देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टी, ये हो गया। अब आपको पता है कि इसको टी होना चाहिए, तो हमने क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा भी करते आ रहे हैं अपन, है ना। तीन फंक्शन है इसमें, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लॉग टी का अब डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एक्स के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि इतना है टेन पाई बाई फोर, इसी को मैं पहले सपोज किया था वैसा भी बनता, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये हो गया दैट इक्वल। अभी इसको इस टी के मान को भी भर दो, इस टी के मान को यदि हम भर दें तो टी का मान अपने पास इतना है टेन
या लास्ट में भी पुट अप कर सकते हैं ना, कहीं पर भी कर सकते हो आप उसको। पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो गया और इनटू, अब यहाँ नया समस्या क्या आया, ये नया फंक्शन है जिसको मैं पहले स्टार्टिंग में सपोज किया था, तो यहाँ से अब पुट करो आप क्या, नाउ पुट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू यू, ये सपोज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ टेन, इतने को हमने सपोज किया क्या यू, तो हो गया टेन यू। तो देखो डबल सब्सटीट्यूशन करना पड़ा, सब्सटीट्यूशन एक्चुअल में बकवास है, अभी आप चैनल देखोगे फटाफट बनेगा, लेकिन जानना तो जरूरी है। वन अपॉन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू, अब ये यू है और ये एक्स है तो इसको यू करना पड़ेगा, तो डी बाई डी यू आप क्या कर दिए टेन यू, और यहाँ पर डी यू मल्टीप्लाई किए हैं तो डी यू बाई डी एक्स, ये पुट किया आप उसको अलग से ध्यान रखना। दैट इक्वल वन अपॉन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू, अब टेन यू का यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो टेन टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हो गया सेक स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर यू हो गया, और इंटू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो यू का मान हम क्या माना है, ये पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टू। दैट इक्वल वन अपॉन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टू इंटू सेक स्क्वायर, अब यहाँ पर जो u माना था उसका मान फिर यहाँ पर पुट करेंगे, तो u हमने किसको माना है, इसको माना है, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और इंटू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो गया, x का वन हो जाएगा तो क्या बचेगा वन अपॉन टू, क्लियर। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब चाहे इसको अपन सिंप्लीफाई करना चाहे मान लो और सरल करना चाहें तो थोड़ा और सरल कर सकते हैं अपन, कैसे है? दैट इक्वल ध्यान देना, ये जो 2 है उसको मैं सामने लिख दिया 1 अपॉन 2 इनटू, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, ये 10 है ये sec है, तो 10 को यदि मैं लिखूँ sin अपॉन cos तो sin अपॉन cos आएगा, क्लियर, और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, एक बार लिख दूँ क्या, sin नीचे में ऊपर cos चला जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा cos पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू अपॉन साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और इनटू, ये ऊपर में उसको नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इक्वल अब आगे देखो आप, ये जो एक कास है इस कास के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा वन अपॉन टू, ये नीचे बचा हुआ है साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू, यहाँ से कास बचेगा तो कास पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये होगा। दैट इक्वल आगे एक फार्मूला आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, टू साइन ए कास बी, टू साइन ए कास बी कहे का फार्मूला होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको फिर मेरे को ही बताना पड़ेगा। देखो टू साइन ए कास बी, साइन और कास, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ फिर मैं मिटा दूंगा, देखो साइन ए प्लस बी, टू साइन ए साइन बी, एक मिनट, टू साइन ए कास बी, या सर बी का है होगा, बी नहीं होगा, दोनों ए होगा, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ये दोनों सेम एंगल है ना, ये भी पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर प्लस बी वाला फार, टू साइन ए कास है, सॉरी ये फार्मूला टू साइन ए कास है क्योंकि दोनों एंगल सेम है, यहाँ पर मैं बी लिख दे रहा था धोखे से, यहाँ पर भी वही एंगल, यहाँ पर भी टू साइन ए कास बी, तो टू साइन ए कास बी का फार्मूला क्या होता है, कास साइन टू ए, साइन टू ए इक्वल होता है टू साइन ए कास ए, साइन टू ए, क्लियर। तो साइन टू ए का फार्मूला यदि हम यहाँ पर लगा दें तो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लेना, मैं हमेशा याद दिलाता हूँ कैलकुलस पढ़ाते समय, तो यह आएगा साइन टू ए, साइन टू का अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके, तो पाई बाई फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा टू का, तो हो जाएगा पाई बाई टू का मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई टू हो गया,
और प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x 2 साइन 2a, क्लियर ना, साइन 2a। तो a के साथ ये एंगल a है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 2 प्लस एक्स, और दैट इक्वल 1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है कास थीटा, तो क्या हो गया ये कास x, और इसको हम लिख सकते हैं sec x, ये आंसर हो गया, क्लियर। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कई तरीके से इसको चेंज किया जा सकता था, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से भी चेंज किया जा सकता था, साइन कास के फॉर्म में भी चेंज करके किया जा सकता था। तो ट्रिग्नोमेट्री में कई तरीके होते हैं, ये इसका फाइनल आंसर आ गया sec x, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यदि चेन रूल से आपको बताऊंगा, देखो यहाँ स्टेप में एक बार काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 स्टेप में क्वेश्चन बना। ये मेथड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं समझाने के लिए इसको बताता हूँ, कुछ नहीं, यदि मुझे बनाना हो तो मैं इस मेथड को कभी प्रीफर नहीं करूँगा, आपको भी नहीं, हम लोग चेन रूल से ही करेंगे फटाफट, और ऐसा मत समझना कि उसमें छोटा बन जाता है तो कोई प्रतिबंधित है, ऐसा कोई है क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता कि आपको टी मान के, यू मान के या सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है करके नहीं पूछ, इंटीग्रेशन की बात अलग है, बाद में बात करेंगे, डिफ्रेंसिएशन में आप किसी भी तरीके से उसको बना सकते हैं, और वैसे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के इतने बड़े बड़े डिफ्रेंसिएशन करना है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मानते रहोगे आप, फिर इतने सारे फंक्शन रहेंगे, फंक्शन के अंदर में कई फंक्शन रहेंगे, 5-5, 6-6 फंक्शन रहेंगे अंदर में, यहाँ तो सिर्फ 3 फंक्शन थे, 1, 2 और 3। तो आप स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, कंपेरेटिव पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि मैं सिर्फ चेन रूल बता देता तो फिर आपको पता भी नहीं चलता, तो इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हो गया। देखिए अब मैं इसको आपको चेन रूल से बताता हूँ, जिसको जादू बोलता हूँ मैं, जादू ही है वो, ठीक है। अब जादू देखिए और जादू ही करिए, इतना लेंदी डिफ्रेंसिएशन में तो हो गया, चेन रूल पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए आपका। अब इसी क्वेश्चन को जो 14-15 स्टेट में नियर अबाउट बना था, हम देखते हैं चेन रूल से, ठीक है, बाय चेन रूल। तो किस तरह से आप डिफ्रेंशिएशन करें एक बार देखो, ये क्वेश्चन है, सीधा मैं लिखता हूँ, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे लिख लेना, इतना इंग्लिश चलता है मैथ्स में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना है आपको, लेकिन वो चलता है ना, साइंस में ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हम चेन रूल में करेंगे क्या, देखो थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर। अब मैं क्या किया, लॉग के बाद जितना फंक्शन आया है, जिसको मैंने अभी रेड इंक से बॉक्स में बंद किया, उसको आप इमेजिन करो कि वो x है। अब ये आपको 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मत दिखे, वो दिखे x। अब आप यह समझो कि जैसे अर्जुन को केवल मछली का आँख दिख रहा था, वैसे ही बात है यहाँ पर, अब आपको ये सिर्फ x दिखे, तो जब ये सिर्फ x दिखेगा तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन तो कर ही दोगे आप, 1/x तो कर देते हैं, तो हो जाएगा लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, माने 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू। अब मैंने चेन रूल में क्या समझाया था कि जो एक्चुअल में एक्स होता नहीं है लेकिन हम उसको एक्स मान के कर देते हैं, वो दोबारा डिफ्रेंशिएट होता है, यही चेन रूल है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, क्लियर यहाँ तक, टी यू को सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इक्वल। अब देखो 1/ ये हो गया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू। अब आगे ध्यान देना, अब हमको 10x का फार्मूला पता है, लेकिन यहाँ पर तो 10 और कुछ कुछ लिखा है, लिखे रहने तो जो भी लिखा है, अब इसको आप x समझो। अब आपके लिए ये 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 नहीं है, अब आपके लिए 10x है, और 10x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो, sec स्क्वायर x लिख दो, ये हो गया sec स्क्वायर, और x के जगह हम वही लिखेंगे जिसको हमने सपोज किया है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू। अब ये भी चेन खुलेगा, कैसे खुलेगा,
कि वास्तव में भाई ये एक्स नहीं था, एक्स सपोज करके हमने कर दिया था, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा। ऐसे दसों फंक्शन को आप चैन में ओपन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम चैन रूल है। तो ये दोबारा यहाँ पर फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू दैट इक्वल, अब देखो वन अपॉन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू, अब तो अभी ऐसे डिफ्रेंशिएट किया कांस्टेंट का जीरो एक्स बाई टू का वन बाई टू दैट इक्वल। अब अभी ट्रिग्नोमेट्री में जैसा मैंने चेंज किया था क्या वन अपॉन टू और ये साइन अपॉन कास साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू अपान का कास ऊपर कास पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू सेक को कास में चेंज कर दिया तो वन अपॉन कास स्क्वायर पाई बाई, ये तो काम कर चुके अब तो रिपीट काम है, ये हो गया दैट इक्वल, एक कास इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन अपॉन टू साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू कास पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू ये हो जाएगा। और अभी जो फार्मूला बताया था टू साइन ए कास ए मतलब साइन टू ए तो वन अपॉन साइन टू ए तो साइन टू और ए का वैल्यू ये पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू दैट इक्वल ये हो जाएगा वन अपॉन टू अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी जो बताया ये तो आप रिपीट किया साइन पाई बाई टू और प्लस एक्स हो जाएगा टू अंदर मल्टीप्लाई करने से दैट इक्वल वन अपॉन कास एक्स दैट इक्वल टू सेक एक्स ये आंसर हो गया। तो ये चैन रूल देखो ये कितना आसान है, अब इसमें स्टेप आप काउंट करो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वो भी मैंने इसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया है, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया आपको मैं टू बाहर मल्टीप्लाई करके इसके बाद ले सकते दैट मीन्स नियर अबाउट सिक्स फाइव सिक्स सेवन स्टेप का डिफरेंस आता है चैन रूल उसमें, और ये समझने में आसान भी होता है, लेंदी नहीं होता लिखने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे चल के जब आप क्वेश्चन करोगे तो जब अब अपन सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में जाएंगे उत्तरोत्तर अवकलन में तो बहुत बार फंक्शन का हमको डिफ्रेंसिएशन करना होता है जहाँ पर यू वी डब्ल्यू आप सपोज करते रहोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए चैन रूल पर अच्छा कमांड करना है। तो मैंने सभी क्वेश्चन को दोनों मेथड से इसीलिए बताया ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके कर लिया। अब चलिए मैं एक आध क्वेश्चन आपको सिर्फ चैन रूल से बताता हूँ, ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन से आप कर लोगे, चैन रूल का ही प्रैक्टिस करना है अपने को। और आप अपने टेस्ट बुक से जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन लेके चैन रूल से क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टीचर कितना भी अच्छा एक्सप्लेन करे कितना भी अच्छा आपको पढ़ाए यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ प्रैक्टिस पर। मैथमेटिक्स मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का ही दूसरा नाम मैथ्स है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ लॉग 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 एक्स वाई इक्वल टू लॉग 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 एक्स, वो 10 बार लिख सकते थे आप लॉग 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 करके। चलिए चार फंक्शन बना देता हूँ इसको मैं ताकि चैन रूल को बढ़िया से बता सकूँ, कितना भी लिख सकते हैं अपने हाथ की बात है, वो लॉग और उसके बाद लॉग एक्स, ये लॉग एक्स के जगह में साइन एक्स भी लिखा जा सकता था, कुछ भी लिखा जा सकता था, ऐसा नहीं कि लॉग ही रहे। चार फंक्शन हो गए देखो इसमें, ये वन टू थ्री फोर क्लियर। अब इसको मैं चैन रूल से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये चैन रूल से डायरेक्ट होगा, इसको आप सपोज करते रहोगे तो एक बार U फिर W फिर T वो सपोज करने में ही 10-15 स्टेप चला जाएगा। और चैन रूल से डायरेक्ट कैसे बनेगा देखो, सीधा नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू X, तब हम इसको लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 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 एक्स ये। अब मैंने आपको क्या बताया था कि बाएं तरफ को एक लॉग को छोड़ के इसके बाद जितना रहेगा वो हमारे लिए एक्स है, अब
देखिए ऐसा आपको राउंड नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए हाईलाइट करता हूँ ना, आप अपने नोट्स में ऐसा नहीं लिखना, नहीं तो चेक करने वाला परेशान हो जाएगा क्या लिखा है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स हो गया, वन अपान एक्स, ये रेड वाला बॉक्स एक्स है, तो हो गया लॉग 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 एक्स हो गया। अब ये एक्स नहीं था, आपने एक्स सपोज किया था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा लॉग 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 एक्स। अब समझ गए होंगे, चैन रूल बहुत मज़ेदार है, मज़ा भी आता है इसको बनाने में। ये हो गया, अब क्या करोगे, अब इस एक लॉग को छोड़ के बाकी एक्स है वो भी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, दैट इक्वल वन अपॉन लॉग इंटू लॉग लॉग एक्स इंटू, अब यह है लॉग एक्स, ये एक्स है तो हो जाएगा उसका भी वन अपॉन एक्स, वन अपॉन लॉग लॉग एक्स, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन चैन रूल से फिर होगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स, इस तरह से हो जाएगा, क्लियर, लॉग लॉग एक्स और लॉग लॉग एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ दो बार लॉग, यहाँ एक बार लॉग, अब फिर एक बार लॉग आएगा, दैट इक्वल, अब आप देखो वन अपॉन लॉग लॉग करके परेशान तो नहीं हो गए ना, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ओपन कैसे होता है करके बताने के लिए। ये हो चुका है, ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है वन अपॉन लॉग लॉग एक्स और इनटू, अब क्या होगा, अब ये एक्स है, ठीक है, इसको भी रेड इंक से मैं आपको हाईलाइट कर दूं, ये एक्स है, तो यदि हम अब इसको एक्स सपोज कर लें तो कैसे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, लॉग एक्स का फिर वन अपॉन एक्स, ये एक्स है तो हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, दैट इक्वल, अब फाइनल आंसर है, देखो ये हो गया वन अपॉन लॉग 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 एक्स इनटू वन अपॉन लॉग लॉग एक्स इनटू वन अपॉन लॉग एक्स और अंतिम डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ये इसका आंसर है। ये देखो बना है 1 2 3 4 5 स्टेप में बना है, यदि आप इसको यू वी डब्ल्यू सपोज करोगे और टी, चार वेरिएबल चार फंक्शन है, तो कम से कम ये 10-12 स्टेप तक सॉल्व होगा, और ये बहुत आसान भी है, आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए बताया कि कैसे फंक्शन एक एक करके चैन में ओपन होते जाते हैं ना, चैन की तरह ओपन होते जाते हैं। सबसे पहले ये इतना ओपन हुआ, इसको लॉग सपोज किया, उसके बाद फिर ये दोनों ओपन हुए, इसको लॉग सपोज किया, और तीसरे टाइम में फिर ये लॉग एक्स ओपन हुआ, इस तरह से एक एक करके होते जाता है। तो ये क्वेश्चन के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आज के क्लास में मेरे को चैन रूल समझाने का ही पर्पस था, मैं चैन रूल आपको अच्छे से बताया, समझ में आ गया होगा, यदि कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस तरह का क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो सिर्फ एक्सरसाइज बस होगा, उस पर मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा, पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइज पर बनाने वाला हूँ जो चैन रूल पर बेस्ड रहेगा। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का चैन रूल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड हो, ताकि आगे चल के मैं डिफरेंशिएशन को बहुत तेज़ी से कराऊँ तो मेरे सभी स्टूडेंट फटाफट उसको समझ सकें। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, ओके, थैंक यू।